पसंद करना, वो जमीन भी बिका गया था लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अगर हम लोगों को भुवनेश्वर के भविष्य के बारे में सोचो, और जहाँ एयरपोर्ट का सवाल है, हमें ना सिर्फ 5 साल 10 साल सोचना होता है लेकिन हमें 20-25-30 साल सोचना। भुवनेश्वर का जो पोटेंशियल है, भुवनेश्वर जिस तेजी से विकास की ओर बढ़ सकता है, वो सब संभावनाएं देखकर बहुत ही जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे एयरपोर्ट की प्लानिंग को आज आरंभ कर दें। और इस विषय में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को काफी कुछ हम लोगों ने कहा है कि एक दूसरे एयरपोर्ट के लिए जमीन आप होने वो भुवनेश्वर के पास हो, ज्यादा दूर भी ना हो, उसकी कनेक्टिविटी पे ध्यान दें और उसका भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन जल्द से जल्द हम लोग उसको आरंभ करवाएं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, चाहे वो मुंबई हो या चेन्नई हो या बैंगलोर हो या हैदराबाद हो, अगर हम वो आगे के भविष्य के बारे में ना सोचें, फॉरवर्ड प्लानिंग ना करें, तो फिर आगे के समय जैसे जैसे ये शहर बढ़ने लग जाते हैं, हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि एयरपोर्ट को हमको सही जगह नहीं लगा। साथ साथ एयरपोर्ट जो है वो शहर का एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोल भी बन जाता है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारी इंडस्ट्री आते हैं, बहुत सारे कंपनीज आ जाते हैं, तो गाँव में अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। तो इसी कारण बड़ा जरूरी है और यहाँ भी डबल इंजन सरकार की जरूरत है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एकजुट होकर मन बनाकर ये जमीन का अधिग्रहण करे, एक्विजिशन करे, जिसके द्वारा एक नया एयरपोर्ट बने, नए एयरपोर्ट से बहुत सारी और संभावनाएं जो है वो आगे चली जाती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। तो हमें इसमें जरूर चिंता करना चाहिए और जल्द से जल्द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हम लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। और इसलिए मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि डबल इंजन सरकार की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रहना, भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा में रहना, ओडिशा के विकास के लिए, ओडिशा के उत्थान के लिए, ओडिशा के आगे बढ़ने के लिए एकदम अनिवार्य है। सर, यू स्पोक अबाउट, यू रेफर टू अ 40% ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यू आर टॉकिंग अबाउट इन भुवनेश्वर एयरपोर्ट। यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। भुवनेश्वर एयरपोर्ट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। वी आर वेरी वेरी प्लीज्ड टू सी हाउ फास्ट द एयरपोर्ट इज ग्रोन। And you can see that as far as the central government is concerned, not only are we supporting that kind of fast growth, that 40% growth, but we are ahead of that growth because we are of course providing the linkage between the old terminal and P1, but we are also in the process of building P3, which as I said will take the current capacity of about 3-3.5 million passenger trips a year and increase that to 12 million passenger trips a year, 13 million passenger trips a year, because we are going to triple the capacity of T1 by building T2. So we are ahead of the curve. We are building in anticipation of the growth that Bhubaneswar is likely to see. Sir, with regards to Udan, Odisha had a hiccup in the Jharsuguda Airport Udan schedule, and it took off and then it got stuck. Now again, SpiceJet has looked at talking about starting flights from there. Overall, Udan scheme, when you have entered the phase 2 of the program, the first phase, have you addressed the... Udan has been one of the most successful schemes of the Modi government. Through Udan, we have been able to open more than 30 unserved and underserved airports across the country, which is a remarkable achievement when you consider that the total number of airports in this country was only about 70 plus. So on a base of about 70 plus airports, we've added 30 plus airports through Udan. And we've opened up all kinds of cities like Jharsuguda, like Bikaner, like Kanpur, like Tejpur, like Leelabari. There are many, many airports across the country that have been opened up because of Udan. Udan is now on its third round. We've done Udan 1, Udan 2, and now Udan 3 as well. We've added over 1 crore seats of capacity through Udan, along with the number of airports that we've had. And of course, when you bring in a big scheme like that, and you have so many airports getting started, there will be a few bumps on that road, and it is unfortunate that Jharsuguda was being serviced by Air Odisha that could not fulfill its commitments, and therefore its ability to
flying his roots was revoked, we took those back and we rebuilt Jharsuguda through Udaan 3. And we are very, very pleased that Jharsuguda got services from SpiceJet and Alliance Air. And you know that Shri Dharmendra Pradhan ji, we just launched flights from Jharsuguda with SpiceJet. And those flights will be starting very shortly and they will continue to proceed on a regular basis thereafter. SpiceJet, of course, is one of the leading airlines in this country. It's not a small airline like Air Odisha was. And it has done very, very well in all of the different Udaan routes that it has undertaken so far and done them very successfully and very reliably. So we think that now, with Jharsuguda being provided services by SpiceJet and Alliance Air, it will do extremely well and it will open up all of Western Malaysia in an unprecedented way. So there was talk about one.